लोगों में बड़ा उत्साह है आम आदमी पार्टी के लिए। हमने यहाँ बहादुरगढ़ में 6000 फ्लैक्स लगाए, जिसमें आम आदमी पार्टी, मैं और मेरा परिवार, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं। लोगों ने बुला बुला के हमारे को फ्लैक्स अपने घरों पे लगवाए और 6000 परिवारों पे हमने ये फ्लैक्स लगाए हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी 31 तारीख को शाम 4 बजे यहाँ बहादुरगढ़ पटेल नगर में विधानसभा कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। इससे एक लोकसभा में एक नया दिशा निर्देश मिलेगा और पार्टी को, आपको भी पता चलेगा कि पार्टी कितने जोश में है, हमारे कार्यकर्ताओं कितना जोश है। और इसीलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई थी कि 31 तारीख को हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन श्याम चार। कार्यकर्ता सम्मेलन में कोई बाहर से नेता भी आ रहा है क्या आपकी पार्टी का? हाँ जी, कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी और सांसद सुशील गुप्ता जी भी यहाँ पहुँचेंगे। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन सिर्फ बहादुरगढ़ जाएगा? नहीं जी, ये पूरी रोहतक लोकसभा की तैयारी का, जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। क्या ये लोकसभा यहाँ पहुँचेगी? क्या ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी, 10 की 10 लोकसभा पे हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई गठबंधन करें हम कांग्रेस और जेजेपी के साथ। देखो जी, हमारी आम आदमी पार्टी है, हमारी, हम सभी के साथ है, हमारे साथ कोई भी आ सकता, हम तैयार है। क्योंकि अभी आपकी बार हमारा मेन उद्देश्य है अमित शाह और मोदी की जोड़ी को हटाना। को लेकर लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे? हम कैसे नहीं जा रहे, हम तो लगातार जा रहे हैं और बार बार हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, बार बार उन्होंने आवाज़ उठाई है, इनके भ्रष्टाचार से तंग होकर हम इनके खिलाफ हैं। अभी आपने बोला कि हमारा एक ही मकसद है अमित शाह और मोदी की जोड़ी। तो जी, आज पूरा देश इनसे तंग आ चुका है तो, और इसमें नाम भी किसी का नहीं, इन दोनों का, अमित शाह और मोदी की जोड़ी का ही नाम है, न किसी पार्टी का नाम है इनके साथ।